संतोष तिवारी, इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां रेलवे प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सुबह 10 बजे के करीब इलाहाबाद क्रॉसिंग पर एक वक्त अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं कि जब एक ट्रैक पर तीन ट्रेन एक के पीछे एक खड़ी हो गई, रेलवे की लापरवाही की वजह से एक ट्रैक पर ये तीन ट्रेन रवाना कर दी गई थी, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल पहली ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। एक ही ट्रैक पर आगे दौड़ रही ट्रेन को जैसे ही दूसरे ट्रेन के ड्राइवर ने देखा तो उसने ट्रेन को रोक दिया, साथ ही पीछे आ रही ट्रेन को रोकने का भी संकेत मिला। इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री ट्रेन से उतरकर बीच में ही वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाने लगे। ये तस्वीर देखिए, कानपुर की ये तस्वीर है जहां पर एक ट्रैक पर तीन ट्रेन एक के बाद एक दौड़ रही थी। सूझबूझ ट्रेन ड्राइवर की थी, जिससे ये बड़ा हादसा टल गया। वरना समझिए कि जिस हालात में जहां ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हैं, आसपास आप रिहाइश भी देख पा रहे हैं। ये देखिए दूरी ट्रेन की, ये एक बड़ी लापरवाही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर इस तरह से ट्रेन का संचालन होगा तो हादसे रोज होंगे। एक ट्रैक पर तीन ट्रेन दौड़ रही है कानपुर, जबकि कानपुर सेंट्रल है ये, यहां से बहुत सारी ट्रेन के रूट्स डाइवर्ट किए जाते हैं। कानपुर सेंट्रल से बहुत सारी जगहों को जोड़ा जाता है, महत्वपूर्ण जोन है ये रेलवे का, और ऐसे में यहां इस तरह की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इलाहाबाद क्रॉसिंग की ये तस्वीर है। चंदन जसवाल मेरे साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, ये बताइए कि एक ट्रैक पर तीन ट्रेन, ये तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब तक रेलवे प्रबंधन की तरफ से, खास तौर पर कानपुर सेंट्रल रेलवे प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये एक के ट्रैक पर तीन ट्रेनें जिस तरीके से आकर के खड़ी हुई, उसके बाद रेलवे प्रबंधन के हाथ पर खुल गए हैं, वो इसकी जांच में जुट गए हैं। इस समय कोई भी रेलवे प्रबंधन किसी भी तरीके की बात कहने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चूक कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, और इस पर हम इसको देखते हुए इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि लाखों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं और कानपुर सेंट्रल से सैकड़ों ट्रेनें डेली गुजरती हैं, ये सेंट्रल माना जाता है, और इस तरीके की जो बड़ी लापरवाही हुई है, इससे हजारों लोगों की जान आज जा सकती थी। एक बड़ा मामला हो सकता था जिससे कई लोगों की मौतें हो सकती थी, लेकिन इस तरीके के कई बीते दिनों में हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन इससे कोई भी सीख नहीं लेना चाहता है। बस उसी दर्जे पर चल रहा है जैसे उनका कार्य चलता रहता है। बस जांच होगी और जांच के नाम पर खाना पूरी होगी और यात्री इसी तरीके से संकट में ही यात्रा करते रहेंगे और जान को जोखिम में डालते रहेंगे। चंदन, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये तस्वीरें, उस बात की पुष्टि कर रही है कि कानपुर सेंट्रल से एक ट्रैक पर तीन ट्रेन एक समय पर रवाना कर दी जाती है आगे पीछे, और ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ये तस्वीर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है ये, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यात्रियों को जैसे ही पता चला क्या हो रहा है तो उनमें हड़कंप मच गया और यात्री इधर उधर उतरने लगे ट्रेन जैसे ही खड़ी हुई, लेकिन ये इंजन ड्राइवर की सूझबूझ है जिससे ये हादसा टल गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रेलवे प्रबंधन किस तरह एक के बाद एक लापरवाही कर रहा है। चंदन मेरे साथ बने हुए हैं। चंदन, ये भी समझना चाहेंगे और ये भी बताइए कि चलिए जांच होगी, जांच के बाद तमाम चीजें सामने आएंगी, कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई उस दौरान जिन्होंने ये दृश्य देखा? मैं यात्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि रिहायशी कॉलोनियां हैं आसपास, क्या हुआ था? जी, उन्होंने बताया कि पहले जो है एक ट्रेन आकर के रुकी, उसके बाद 100 मीटर की दूरी पर, उसके बाद फिर एक ट्रेन रुक गई, तो कोई भी कुछ समझ न पाया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन देखा जाए कि ड्राइवर की सूझबूझ हो, उसने जैसे ही देखा कि आगे ट्रेन है तो उसने ब्रेक लगा करके इस हादसे को रोक दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि इस तरीके की जो ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद हुई है, और यात्रियों में, खासतौर पर मैं बताऊं, हम लोगों ने यात्रियों से भी बात की तो वो इतना भयभीत थे, इतना डरे हुए थे कि आप उनसे जब बात कर रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, कह रहे थे आज हमें ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो जाने क्या होता। तो कुल मिलाकर के डेली इस तरीके के लाखों लोग यात्रा करते हैं, लाखों लोग जो है अपने स्थान को जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही की जाती है, कुछ कहीं ना कहीं जो यात्रा कर रहे हैं लोग हमेशा अपने आप को असुरक्षित मानते रहेंगे और असुरक्षा में ही यात्रा करेंगे, तो इसका परिणाम देखने वाला होगा कि आगे किस तरीके से यात्रा इसमें सुखमय होगी। रेलवे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि यात्री किस कदर डरे हुए हैं। अमूमन एक ट्रैक पर रेल दौड़ती जरूर है, लेकिन डिफरेंस 100 से 125 किलोमीटर का होता है, लेकिन यहां देखिए इतनी दूरी पर ही ये ट्रेन टकरा सकती थी।